मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम जो आपकी पुस्तक के अंदर पाठ दिया गया है ज्योतिषी का एक दिन, वो शुरू करने जा रहे हैं। तो ज्योतिषी का एक दिन पाठ है वो किसने लिखा है? आर के नारायण, जिन्होंने यह ज्योतिषी का दिन पाठ लिखा है, का जन्म 10 अक्टूबर 1906 को कहाँ पे हुआ? चेन्नई में हुआ। मालगुड़ी नामक काल्पनिक टाउन के रचनाकार आर के नारायण अंग्रेजी साहित्य के जाने माने रचनाकार है। तो जो आर के नारायण है वो अंग्रेजी में भी, उन्होंने इंग्लिश के अंदर क्या है लिटरेचर लिखा है, इंग्लिश के अंदर भी साहित्य रचना की है, और वो क्या है मालगुड़ी नामक काल्पनिक टाउन के रचनाकार भी रहे हैं। इन्होंने बहुत से उपन्यास तथा कहानियां लिखी हैं। इन्होंने बहुत सारी जो उपन्यास हैं और कहानियां हैं वो भी लिखी हैं। इनके प्रसिद्ध जो उपन्यास हैं, फेमस नॉवेल्स जो हैं वो हैं स्वामी एंड फ्रेंड्स, दी जस्टिस, दी बैचलर ऑफ आर्ट, दी डार्क रूम, दी इंग्लिश टीचर मिस्टर संपत, दी फाइनेंशियल एक्सपर्ट, वेटिंग फॉर दी महात्मा, दी गाइड, द मैन एंटर ऑफ मालगुड़ी, ये सारे बहुत सारे जो उपन्यास हैं वो इन्होंने लिखे हैं। स्वामी एंड फ्रेंड्स, दी जस्टिस, दी बैचलर ऑफ आर्ट्स, द डार्क रूम, दी इंग्लिश टीचर मिस्टर शपथ, डॉक्टर, दी फाइनेंस एक्सपर्ट, वेटिंग फॉर दी महात्मा, दी गाइड, दी मैन एंटर ऑफ मालगुड़ी। उसके बाद इन्होंने 1964 में कहानियों की पुस्तक लिखी मालगुड़ी डेज, अंडर द बनाना ट्री एंड दी एंड अदर स्टोरीज। तो इन्होंने जो कहानियों की पुस्तक लिखी उसमें था मालगुड़ी डेज, अंडर दी बनाना ट्री एंड अंडर स्टोरीज, दी वर्ड ऑफ नागराज, दी वर्ड ऑफ नागराज भी ग्रैंड मदर्स टेल लिखी। 1960 में दी वेंडर ऑफ स्वीट्स भी लिखा, कि इन्होंने क्या है 1960 के अंदर दी वेंडर ऑफ स्वीट्स भी लिखा। 1980 में इन्हें राज्यसभा के सदस्य के रूप में भी चुना गया। तो ये याद रखना है कि उनको राज्यसभा के सदस्य के रूप में कब चुना गया, तो के आर के नारायण को 1980 के अंदर राज्यसभा के एक सदस्य के रूप में भी चुना गया। इन्हें अनेक पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया। कौन कौन से? द गाइड के लिए इन्होंने, जो इन्होंने दो गाइड लिखा था उसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। 1964 में पद्म भूषण भी से सम्मानित किया गया। 1980 में ब्रिटिश रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर द्वारा मेडल तथा पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया। और सन 2001 में 94 वर्ष की आयु में जो इनका निधन है, इनकी मृत्यु जो है वो हो गई। तो याद रखना है कि 1980 के में ही इनको राज्यसभा का तो सदस्य चुना गया था, उसी के बाद 1980 में ही ब्रिटिश रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर द्वारा मेडल भी दिया गया और पद्म विभूषण अवार्ड से भी सम्मानित किया गया, और 94 वर्ष की उम्र में 2001 के अंदर इनका क्या है निधन हो गया था। उसके बाद हम शुरू करते हैं ज्योतिषी का एक दिन। तो इस पाठ को लिखने के पीछे जो उद्देश्य है वो क्या है? मनोरंजन एक भाग्यवादी न होने की सीख देना, ये सबसे पहले तो पाठ के अंदर क्या है मनोरंजन के लिए आपको पाठ दिया गया है। तो उसका दूसरा मुख्य उद्देश्य क्या है कि जो लोग भाग्य को लेकर बैठ जाते हैं, किसी को हाथ दिखा दिया, अगर उसने बता दिया कि आपको नेक्स्ट ईयर जॉब मिलने वाली है या नेक्स्ट ईयर आपका कोई अच्छा काम होने वाला है, तो लोग क्या है अपने घर पे आराम से बैठ जाते हैं कि चलो जॉब तो मिल जाएगी। उसी के लिए कहा गया कि भाग्यवादी न होने की सीख देना, कि अपने भाग्य के भरोसे नहीं बैठ जाना चाहिए, हमें जो अपना कर्म है, हमें जो अपना काम है वो करते रहना चाहिए। पाठ्य पाठ के प्रवेश में क्या कहते हैं
कि भाग्य में आस्था रखने वालों को उनके भविष्य का सही भान होता है या नहीं, यह पर उनकी इस आस्था के कारण ज्योतिषियों के धंधे चलते हैं, ऐसे ही एक ज्योतिषी से मिलते हैं कहानी के माध्यम से। तो इसके अंदर क्या बताया गया है कि भाग्य के ऊपर जो आस्था रखते हैं उनके भाग्य का तो पता नहीं क्या होता है, पर क्या है कि जो ज्योतिषी होते हैं उनका काम जो है वो अच्छा चल जाता है लोगों की वजह से। और ऐसे ही ज्योतिषी के बारे में जो है हम इस पार्ट के अंदर ज्योतिषी का एक दिन में पढ़ेंगे कि इस कहानी के माध्यम से हमें क्या कुछ बताया गया है, इस कहानी के माध्यम से हमें क्या सीख मिलती है। ठीक दोपहर के समय वह अपना थैला खोलता और ज्योतिष की दुकान लगाता। दर्जन भर कोड़ियां, कपड़े का चौकोर टुकड़ा जिस पर कई रहस्यमयी रेखाएं खींची थी, एक नोटबुक और ताड़ पत्रों की एक किताब, उसके माथे पर बहुत सी भभूत तथा और थोड़ा सा सिंदूर लगा होता तथा आंखों में तिरछी चमक यह देखने के लिए निकलने लगते कि ग्राहक उसकी तरफ आ रहे हैं या नहीं। लेकिन सीधे साधे लोग इसे देवी शक्ति मानकर भरोसे का अनुभव करते। उसकी आंखों की शक्ति चेहरे पर सबसे ऊपर लगी होने के कारण ही बढ़ जाती। ऊपर माथे पर प्रभावित तिलक और नीचे गालों तक फैली बड़ी काली मूंछों के बीच दमकती दो आंखें किसी अल्प बुद्धि के लिए बड़ी कारगर सिद्ध होती। तो इस पाठ के अंदर क्या बताया कि जो दोपहर का समय है उसके बाद एक ज्योतिषी क्या है अपनी दुकान जो है खोल के बैठा है, उसने दर्जन पर कोड़ियां रखी हैं, कपड़े रखे हैं और जो कुछ अपने उस कपड़े के ऊपर जो है रहस्यमयी लाइन जो रेखाएं हैं वो खींच रखी हैं, एक नोटबुक रखी है उसने अपने पास और ताड़ पत्रों की एक किताब रखी है जो येलो पेजेस होती हैं, जो पुराने जो टाइम में यूज किए जाते थे जिसपे लिखा होता है, उसके माथे पर बहुत सी भभूत कि उसके माथे पर जो है विभूति लगाई हुई है और थोड़ा सा जो है सिंदूर भी लगा हुआ है तथा आंखों में तिरछी सी चमक की नीचे मुंह करके वो तिरछी आंखों से जो है वो देख रहा है कि क्या कोई उसकी तरफ आ रहा है। सीधे साधे लोग क्या है कि दैवी शक्ति मानकर भरोसे का अनुभव करते हैं कि कुछ ऐसे लोग हैं सीधे साधे जिन्हें नहीं पता कि ये ज्योतिषी क्या है, इनका क्या काम है, जो अंधा जैसे फैलाए जा रहे हैं आडम्बर उनके इसके बारे में कुछ नहीं पता है, तो जो सीधे साधे लोग हैं वो ज्योतिषी के जो चंगुल में फंसते चले जाते हैं। उसकी आंखों की शक्ति चेहरे पर सबसे ऊपर लगे होने के कारण भी बढ़ जाती है, तो ऊपर माथे पर प्रभावित और नीचे गालों तक फैली बड़ी काली मूंछों के बीच दमकती दो आंखें किसी अल्प बुद्धि के लिए बड़ी कारगर सिद्ध होती है। तो अल्प बुद्धि होता है जो कम बुद्धि वाले लोग हैं उसके बारे में कहा गया है, कारगर है सही जो साबित होती है। प्रभाव जमाने के लिए वह सिर पर गेरुए रंग की पगड़ी भी पहनता है, गेरुआ रंग ये है जो ऑरेंज और येलो कलर का मिक्सअप होता है उसे बोलते हैं गेरुआ रंग, यह रंग उसे हमेशा सफलता प्रदान करता था, लोग उसकी तरफ इस तरह आकर्षित होते थे, प्रभावित होते थे जैसे फलों पर मक्खियां गिरती हैं कि जिस तरह से जब फल पड़े होते हैं तो उसके आसपास क्या है मक्खियां भिनभिना रही होती हैं उसके ऊपर आके बैठती हैं, वैसे ही क्या है कि ज्योतिषी को देखकर क्या है लोग जो जिनको इतनी समझ नहीं है जो पढ़े लिखे नहीं है वो उसकी तरफ क्या है आकर्षित होते रहते थे। टाउन हॉल के पार्क से लगे रास्ते पर वह इमली के विशाल वृक्ष की दूर दूर तक फैली टहनियों की छाया में विराजमान होता। तो क्या है कि वो टाउन हॉल कहाँ बैठता है, टाउन हॉल के पार्क से लगे रास्ते पर इमली के एक विशाल वृक्ष की दूर दूर तक फैली टहनियों की छाया में क्या है विराजमान होता था, विराजमान का मतलब बैठता था। यह ऐसी जगह थी जहाँ सवेरे से देर रात तक लोगों की भीड़ गुजरती कि जहाँ पर वो बैठता था वहां पर क्या है कि लोगों की जो भीड़ है वो हमेशा लगी रहती थी पूरा दिन। संतरी लंबी सड़कें पर दोनों तरफ तरह तरह की छोटी छोटी दुकानें लगी हो जाती, घरेलू दवाएं बेचने वाले, चुराए हुए लकड़ी लोहे के सामान की दुकानें, जादूगर और सस्ते कपड़े की दुकान जिससे क्या है कि संतरी जो भीड़ी गलियां होती हैं सड़क की तरफ दोनों तरफ छोटी छोटी दुकानें लगी होती,
और घरेलू दवाई बेचने, चुराए हुए नकली लोहे के सामान की दुकानें और जादूगर के और सस्ते कपड़े की एक दुकान, ये सारी जो चीजें हैं वो उसके ज्योतिषी के जो आसपास बताई गई हैं कि कौन कौन सी चीजें उसने आसपास थी, कौन कौन सी दुकानें थी, कौन कौन से जो चोरी का सामान लेके आते थे वो थे जादूगर के, सस्ते कपड़े की दुकानें जो है वो वहां पे थी। उसके बाद है जोर जोर से चिल्लाकर हर वक्त लोगों को बुलाते, कहते इसी के बगल में इसी तरह शोर करने वाला एक मूंगफली बेचता था, मूंगफली विक्रेता जो मूंगफली बेचता है, विक्रेता होता है बेचने वाला, जो हर दिन अपनी चीज को एक नया नाम देता, किसी दिन बंबई की आइसक्रीम बोलता, किसी दिन दिल्ली के बादाम, किसी दिन राजा की सौगात, और लोग हर वक्त उससे खरीदारी कर रहे होते। तो क्या है कि एक व्यक्ति जो है वो मूंगफली की दुकान लगाता था और मूंगफलियां बेचता था, तो वो हर रोज क्या है नए नए नामों से उसको बुलाता था मूंगफली बेचने के लिए, कि किसी दिन उसे बंबई की आइसक्रीम बोल देता, किसी दिन दिल्ली के बादाम, किसी दिन राजा की सौगात, और क्या है कि वो रोज जो इसी तरह हर वक्त जो है खरीदारी जो है करता रहता था। खरीद भीड़ के बहुत सारे लोग ज्योतिषी को भी घेरे रहते, वह बगल में लगी मूंगफलियों के ढेर से ढेर के ऊपर धुआं देती जलने वाली आग से निकलती हल्की रोशनी से भी अपना काम चलाता। यहाँ म्युनिसिपैलिटी ने कोई रोशनी नहीं मुहैया करवाई हुई कि म्युनिसिपैलिटी के जो लोग हैं वहाँ उन्होंने कोई भी रोशनी का जो प्रबंध है वो नहीं करवाया मुहैया होता है, उनको प्रबंध नहीं करवाया हुआ। क्या है कि रोशनी वहां से कहां से आती है, जो मूंगफली बेचता है उसके पास जो धुआं है उससे थोड़ी थोड़ी जो आग निकलती है उसी से वहां की जो रोशनी है वो होती रहती है। दुकानों पर लगी छोटी छोटी रोशनियों से ही सबका काम चलता चलाना पड़ता था। एक दो के पास गैस के डंडे भी थे जो गैस के भरे होते थे, जो गैस सिलेंडर, जिनमें से हर वक्त सूंघ की आवाजें जो है निकलती रहती थी। तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि जो गैस के अंडे रखे होते थे उनसे किस तरह की जो है आवाज निकलती थी, तो सूंघ की जो आवाजें वहां से निकलती थी। कुछ दुकानों पर खंभों से रोशनी की नंगी लपड़ निकलती रहती, कुछ साइकिलों के छोटे छोटे लैंपों से काम चलाकर। कुछ ख्याल है कि दुकानों के ऊपर जो खंभे लटका देते थे रोशनी के, या कुछ साइकिल थे साइकिल छोटे छोटे जो है वो लैंप लगा के रखते थे, उसी से काम चला लेती थी, और ज्योतिषी की तरह कुछ अपनी रोशनी के बिना ही दूसरों के गुजारे जो भरोसे है गुजारा कर लेते थे। तरह तरह की बहुत सी रोशनियों से एक अलग सी जो मंजिल है वो बनता था, अलग ही नजारा जो है बनता था, जिसके बीच से चलते निकलते लोगों की इच्छाएं अपना रहस्यमय समा बांध देती थी। तो यहाँ तक हमने पढ़ा कि किस तरह का वहाँ का माहौल था, कैसी भीड़ लगी रहती थी, ज्योतिषी था वो कहाँ विराजमान रहता था। जो आगे का पार्ट है हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे।